नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन 16-18 के आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है सेशन 16-18 के पीजी चतुर्थ। जी हां दोस्तों, पीजी चतुर्थ इस सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सेशन 16-18 के आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों को कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है। और सबसे पहली तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका रिजल्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उस लिंक पर क्लिक करके और आप लोगों को पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप उस पर जाके लिंक पर क्लिक करके आप मतलब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जितने भी यूजर न्यू हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटे को दबा दीजिए कि आने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए हुए और आपको बताते हैं, ले चलते हैं आपको सीधा लिंक पर। देखिए यहां पर हमारे को लिंक मिला हुआ, ये आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा, जेपी यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल साइट है। पीजी चतुर्थ सेमेस्टर 16-18 का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप लोगों को चेक कैसे करना है हम लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्रोम ब्राउजर पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे सामने ये रिजल्ट लिंक का ऑप्शन आ गया। अब देखिए लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन खुल गया है जेपी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का। और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। रोल नंबर आपके पास होगा ही होगा, डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा और आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये बड़े इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, फटाफट रोल नंबर पे, रोल नंबर डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी देगा। ऐसा है कि हालांकि हमारे पास किसी स्टूडेंट्स का रोल नंबर नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, आप लोग अपने से भी चेक कर सकते हैं रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, ठीक है। और आप लोगों को डाउनलोड भी कर लेना है, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा नजदीकी साइबर कैप पे जाके, रिजल्ट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा नजदीकी अपने दुकान पे जाके, किसी के दुकान पर। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है आसानी से उसको रख लीजिएगा, काम आएगा आगे करके। तो गाइस, इसी तरह का नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, और किसी भी तरह का कोई सवाल होना तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।